कन्या राशि वालों नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आप सभी को बता दें कि आज शाम के 5:25 के उपरांत आपके जीवन काल में 5 बड़े बदलाव होने वाले हैं, क्योंकि यह समय जो बड़े ग्रह गोचर अपना स्थान बदलने वाले हैं, यह आपकी कुंडली में 4 बड़े शुभ योग का निर्माण करने वाले और दोस्तों इसके कारण आप सभी के जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव होंगे। कुछ क्षेत्र में आपको इतनी बड़ी खुशखबरी और इतने बड़े बड़े कामयाबी मिलने वाली है कि आप सभी का पूरा जीवन बदल जाएगा, घर और परिवार खुशी से नाचेगा, क्योंकि यह समय जो ग्रह को चले आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ योग का निर्माण कर रही है, भाग्यशाली योग का निर्माण, जिसे आप सभी के जीवन में 101% बदलाव आने वाला है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि आज समय खुशियों का आपके घर में ठिकाना नहीं रहेगा, खुशी से सभी लोग झूम उठेंगे, क्योंकि दोस्तों 72 साल के बाद ऐसी ग्रह गोचर का संयोजन हो रहा है जो आपके जीवन को एक नई दिशा प्रदान करने वाली है। दोस्तों अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, अब आपको घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि अब आप सुबह का जीवन 7वें आसमान पर जाने वाला है। आज के इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यह कोई वीडियो नहीं दोस्तों, या भगवान का दिया हुआ वरदान है, क्योंकि आज शाम से आप सभी की कुंडली में जो लाभ के मौके मिलेंगे, अगर आप इसे सही तरीके से अपने जीवन काल में सदुपयोग नहीं करेंगे तो दोस्तों आपके जीवन भर पछताना पड़ेगा। यूं कहें तो आपको 3 बड़े चीजों से हाथ धोना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, आज का यह वीडियो आप सभी के जीवन काल के लिए सबसे ज्यादा भाग्यशाली वीडियो है दोस्तों, क्योंकि ग्रह गोचर ने संकेत दिया है कि अब आप सभी के जीवन काल में यह चमत्कारी घटना हर हाल में होकर रहेगा, क्योंकि अगले 24 घंटे के अंदर भगवान भोलेनाथ, शनिदेव माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु जी का आशीर्वाद आप सभी की कुंडली पर रहने वाला है, जिनके कारण दोस्तों ब्रह्मांड की यह सभी देवी देवता आपके ऊपर कृपा दृष्टि बरसाएंगे और अगले 24 घंटे के अंदर आप सभी को मालामाल कर देंगे। तो दोस्तों यह शो में आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, कौन सी गलती नहीं करनी है और कौन कौन से क्षेत्र में आपको खुशखबरी मिलेगी और कौन से शिखर हैं जिन्हें आपको हर हाल में करना होगा, नहीं तो आपके जीवन में आप बहुत पछताएंगे। दोस्तों आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि जो ग्रह गोचर बना है और ईश्वर का जो आशीर्वाद है, अगले 24 घंटे के अंदर आपको इतना धन दौलत, इतना पैसा देने वाला समय होगा कि आपने अपने जीवन में सोचा नहीं होगा, तो उसे समय आ गया है जब आपका भाग्य उदय होगा, जब आपको आपके ही मेहनत का फल मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यश में ईश्वर की देवी शक्तियां आपके घर में आवास करने वाला है और आपके जीवन से सारे नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने वाला है। दोस्तों अब आपको अपने जीवन में कोई सारे मौके प्राप्त होने वाले हैं, वे सारे रास्ते मिलने वाले हैं जहां से आप अपने जीवन को 101% बदल पाएंगे। जी हां दोस्तों, ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं ने यह संकेत दिया है कि आपकी राशि के जातकों ने जितना अपने जीवन में दुख दर्द झेला है उतना अब सुख और समृद्धि प्राप्त होने वाला है। जी हां दोस्तों, अब आप सुबह का घर बिल्कुल ही स्वर्ग जैसा हो जाएगा, अब आपका घर सोने के महल बन जाएगा। जी हां दोस्तों, अब आपको दिन दुगने रात चौगुनी तरक्की देखने को मिलेगी, अब आपका नसीब का रफ्तार पहले से 1000 गुना तेज हो जाएगा। दोस्तों अब आपका भाग्य बिल्कुल ही सूरज की तरह चमक जाएगा, अपने सपने में नहीं सोचा था, आपको वह बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। दोस्तों यह जो शुभ योग का निर्माण है, यह जो ग्रह गोचर और ईश्वर का संयोजन आपकी कुंडली में हो रहा है, आपके जीवन के स्वर्ग का रास्ता ही खोल देगा। अब आप अपने जीवन में कामयाबी सफलता हासिल करने वाले, इतनी बड़ी सफलता कामयाबी आप सभी को मिलने वाली है कि आपके दुश्मन जल जल कर राख हो जाएंगे। जो दुश्मन आपको परेशान करता था, जो दुश्मन आपको खुश नहीं देखना चाहता था, यह समय उसकी अतिया उठने वाली है, क्योंकि यह समय आपको ताबड़तोड़ खुशखबरी मिलने वाली है, धमाकेदार आपके जीवन काल में खुशखबरी आने वाली है और यह सब कुछ आपके दुश्मन देखकर अंदर ही अंदर जलने वाले हैं। आपकी तरक्की, आपकी कामयाबी को देख नहीं पाएंगे, आपके दुश्मन और दुश्मनों की चिता यह समय चलने वाली है। अब आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, अब भगवान आपकी जीवन का हिसाब करेंगे,
जो लोग आपको परेशान किए हैं, आपको धोखा दिए हैं, आपकी भावनाओं पर जिन्होंने अधिक कदर नहीं किया है दोस्तों, अब उनका जीवन बिल्कुल ही नरक के समान हो जाएगा और आप अपने जीवन में तरक्की और सफलताओं को छूने वाले हैं और जीवन में आगे बढ़। परंतु दोस्तों, वैश्य में जो उसे वियोग बना है, जो ग्रह गोचर बना है, और शनिदेव भोलेनाथ, श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी आपके जीवन काल में प्रसन्न हो चुकी है, तो आपको भी अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि दोस्तों, आने वाली अगली 24 घंटे के अंदर अपने जीवन काल में साफ सफाई का ध्यान रखना है, क्योंकि जब हमारे जीवन में ईश्वर प्रसन्न होते हैं तो सबसे पहले स्वच्छता का वातावरण देखते हैं। जहां भी स्वच्छ वातावरण रहता है तो वहीं पर ईश्वर की सकारात्मक ऊर्जा जाती है। दोस्तों, ईश्वर क्या है? ईश्वर एक सकारात्मक ऊर्जा है। जहां नकारात्मक ऊर्जा है, गलत काम होता है, वहां पर आप खुद देखेंगे आपको बहुत बुरा महसूस होगा और वहां पर भगवान कभी विश्वास नहीं करते हैं। तो आपको अपने घर का साफ सफाई का ध्यान रखना है और कभी भी किसी के प्रति बड़ा भाव अपने अंदर नहीं लाना है। और अगले 24 घंटे के अंदर आपको अपने जीवन का सबसे अच्छा समय दिखाई देगा और आप सभी का जीवन पहले से 1000 गुना बेहतर होने वाला है। अब आपको भाग्य का सहयोग मिलेगा और ईश्वर का भी साथ मिलेगा। आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम बहुत खास है, क्योंकि यह एक ऐसा कार्यक्रम है जो न केवल आपको भविष्य में आने वाली बड़ी मुसीबतों से छुटकारा दिलाएगा, बल्कि आपको बहुत कुछ नया भी सिखाएगा, जिसका उपयोग करने के बाद आप अपनी जिंदगी में अपनी तकलीफ से मुक्ति प्राप्त करेंगे। माता रानी तो है ही, तो बस प्यारे दोस्तों, आज के इस चमत्कारी कार्यक्रम को पूरा देखना है और माता रानी की शरण में जाकर जीवन को पूरी तरह से बदल डाला है। मित्रों, जब भाव गहरा होगा, तुम आए क्यों नहीं आएगी, हमारी मदद कर ले। प्यारे दोस्तों, हम गंगा जल हाथ में लिखकर कहते हैं कि जो बातें हम आपके जीवन के बारे में आपको बताने जा रही हैं, आपके जीवन के लिए बेहद ही आवश्यक है, सजीवन बूटी के समान है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम लंबे समय से आपकी राशि का अध्ययन कर और हमें अच्छी तरह से पता है कि आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियां बन चुकी हैं और अब आपको किस चीज की सबसे अधिक आवश्यकता है। ऐसे में इस ज्योतिष कार्यक्रम को अधूरा छोड़ना या फिर बीच में ही छोड़कर चले जाना आपके लिए एक बहुत ही खतरनाक निर्णय होगा। यह प्यारे दोस्तों, हमने आपकी राशि के ग्रहों का पूर्ण रूप से आकलन किया है, अच्छी तरह से अपील किया है और उन्हीं के आधार पर जो एक महाविद्या एक महा उपाय बताने जा रहे हैं, वह इतना शक्तिशाली है कि आपकी हर एक मनोकामना पूरी कर सकता है। प्यारे दोस्तों, हमने यह ज्योतिष कार्यक्रम खास तौर से आपके लिए इस वजह से भी बनाया है क्योंकि हम देखते चले आ रहे हैं कि आप लंबे समय से किसी न किसी परेशानी से ग्रस्त हैं, जो से चले आ रहे हैं। आपको अपनी समस्याओं के समाधान इतनी आसानी से मिल नहीं पा रहे हैं और जिन लोगों से आपने उम्मीदें लगा रखी थीं, उन लोगों ने भी आपका साथ नहीं दिया है, या यूं कहें कि मुसीबत के समय में अकेला छोड़ दिया है। और यकीन मानिए कि आने वाला समय भी आपके लिए कोई साधन समय नहीं है, इसमें भी आपके लिए बहुत अधिक परेशानी और कष्ट लिखे हुए हैं। अब ऐसे में यह एक चमत्कारी गुप्त विद्या, या यूं कहें कि उपाय, आपके लिए सजीवन बूटी के समान कार्य करेगा। यदि आपके जीवन में आने वाली हर एक बाधा को पहले ही रोक देगा और उसका समाधान भी कर देगा, यकीन मानिए कि यह ज्योतिष कार्यक्रम आप जब पूरा देख लेंगे तो आपको एक ऐसा अद्भुत ज्ञान मिलेगा कि आपकी पूरे जीवन का उद्धार हो जाएगा। आपको कहीं किसी के यहां जाने की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं अपने भाग्य के निर्माता बन जाएंगे, इस बात की हम गारंटी देते हैं। चलिए, बिना समय गवाएं आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। लेकिन इससे पहले महामय जतमई को आभार अवश्य ही व्यक्त करेंगे, तो पूरे भक्ति भाव के साथ कमेंट बॉक्स में एक बार नहीं, तीन बार लिखना, जय मां शेरावाली कृपा करो, मैं आपकी निश्चित तौर पर कृपा करेंगे। प्यारे दोस्तों, यकीन मानिए, इंसान चाहे कितना ही प्रयास कर ले, लेकिन ग्रहों की चाल और उसकी पूर्ति पूर्वजों का आशीर्वाद हमेशा या तो उसका सहायक बनता है या फिर उसकी राह का बाधक बनता है। यदि कि नकारात्मक कुछ अच्छे भले इंसान को भी बुरी तरह से तोड़ सकते हैं, पर बात कर सकते हैं, कहीं का नहीं छोड़ सकते हैं,
तो अब ऐसे में एक सामान्य इंसान क्या करे? ऐसे में सामान्य इंसान बस इतना सा ही उसकी राशि, उसकी कुंडली में ग्रहों की चाल क्या कह रही है, वह इसे अच्छी तरह से समझा और थोड़ा बहुत जीवन में परिवर्तन लाता रहे। हम आपको बता दें कि यह पूरा वर्ष शनिदेव को समर्पित है और शनिदेव एक क्रूर ग्रह दोष तो यकीन मानिए कि आपने छोटी सी भी भूल की और आपको इसका बड़े से बड़ा परिणाम भुगतना होगा, साथ ही साथ दोष होगा। यह है कि आप जिस इंसान से उम्मीद उपेक्षा करेंगे वह इंसान आपके काम नहीं आएगा। बदले में चाहे भले ही आपने उसके लिए कितना ही कुछ क्यों ना किया हो, लेकिन वह आपके काम नहीं आएगा। आपको अपने काम की जिम्मेदारी खुद ही उठानी पड़ेगी। प्यारे दोस्तों, अगले 3 दिनों में आपकी कहीं यात्रा करने की योजना बन सकती है, लेकिन याद रखें कि यात्रा यदि धार्मिक है तब तो अच्छी बात है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन किसी अन्य प्रकार की यात्रा पर आपको नहीं जाना है, अन्यथा यह यात्रा आपके लिए बहुत बड़ी परेशानी हो का कार्ड बन सकती है, आपको परेशानी में डाल सकती है। प्यारे दोस्तों, अगले 3 दिनों में आपकी किसी एक ऐसे इंसान से मुलाकात होगी जो आपको अपमानित करेगा, आपको भावनात्मक चोर पहुंचाएगा, आपके मान सम्मान पर चोट पहुंचाएगा, तो थोड़ा आपको सतर्क रहना है। इसी के साथ साथ प्यारे दोस्तों, हम आपको यह भी कहना चाहेंगे कि आप इस समय बड़ी जोखिम लेने से बचें, चाहे व्यापार हो जाए, आपका व्यक्तिगत जीवन हो, आप किसी भी बड़े जोखिम को ना लें, थोड़ा सा सतर्क रहकर अपने जीवन को जिया। इस सब में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है प्यारे दोस्तों की, आपकी सहज बुद्धि और व्यवहार कुशलता से ही आप अपनी नई भविष्य का निर्माण करेंगे, अपने जीवन को शुभ और मंगलमय बनाएंगे। यदि आपने अपना आपा खोया और आप जरा भी लापरवाही दिखाती हैं तो आप बड़े नुकसान करवा बैठेंगे, न केवल आर्थिक तौर पर बल्कि आपके परिवार में, आपके रिश्तों में भी आपको उथल पुथल देखने को मिल सकती है। तो अपने ऊपर नियंत्रण बनाए रखें, यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। आपको एक जगह से बहुत अच्छी राहत मिलने वाली है प्यारे दोस्तों की, आपको धन आगमन के नए मार्ग मिलेंगे, यानी पैसा कमाने का कोई नया तरीका आपको पता चलेगा, रुका हुआ पैसा भी आपको प्राप्त हो जाएगा। कहीं आपका पैसा अटक गया था, फंस गया था, कहीं उधार वगैरह दे दिया था और वह मिल नहीं पा रहा था, तो वह सब भी आपको मिल जाएगा। परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, यह आपके लिए एक बड़ी राहत है। अब यदि आप अपने क्रोध पर, अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखते हैं, वाणी पर नियंत्रण रखते हैं, तो आपके परिवार का माहौल भी बहुत ही मीठा रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। आपको अपने परिवार की साथ समय बिताने में आनंद की अनुभूति होगी। बस पुरानी बातों को आपको बुखार नहीं है और पुरानी बातों पर बिल्कुल भी विचार नहीं करना है। रिश्तों की नई शुरुआत करें, यदि किसी से थोड़ी बहुत बिगड़ी हुई थी है तब भी उसे नजरअंदाज करके आगे बढ़े और छोटी छोटी बातों को अपने दिल से ना लगाएं। तो प्यारे दोस्तों, यह तो थी आपके जीवन से जुड़ी हुई कुछ जरूरी बातें। इन सबके बीच प्यारे दोस्तों, हम आपको पता है कि एक सबसे बड़ा आपके लिए सौभाग्य निर्माता कार्य है जो आपको अवश्य करना चाहिए। यह दोस्तों आपकी राशि के जातकों के लिए यह रामबाण के अनुसार है। फिर हम आपको एक बहुत ही ताकतवर, शक्तिशाली उपाय या फिर साधना के बारे में बताएंगे जिससे आप अपनी कोई भी मनोकामना पूरी करवा सकते हैं। जी हाँ प्यारे दोस्तों, कोई भी मनोकामना, हम बार बार आपको कह रहे हैं, यह उपाय भी शक्तिशाली है। थोड़ा लंबा अवश्य है, थोड़ी सी मेहनत अवश्य लगती है, लेकिन यदि आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो बहुत कुछ आपको मिलेगा भी। तो अभी फिलहाल बात करते हैं, एक छोटा सा रामबाण हो जो आपको हमेशा करना चाहिए। प्यारे दोस्तों, आपको मौका यदि मिलेगी तो दान अवश्य करना चाहिए। अब आप दान कैसा करेंगे, ये समझिए जैसे कि आपसे कोई भोजन मांगता है। आप कहीं बाजार में हैं या फिर आप घर पर ही हैं, कोई आपसे भोजन मांगने आया है, कोई भिखारी आया है, तो इस मौके को आप बिल्कुल भी ना चुके। अब जब आप उसे भोजन करा दें, तो एक बार भोजन कराने के बाद आप उसे थोड़ा बहुत धन भी अवश्य दान करें, या प्यारे दोस्तों, और धन दोनों का मिला जुला दान आपके लिए बेहद ही आवश्यक है। उस तो यकीन मानिए कि यदि आपने आज अनिका और धन का एक साथ दान कर दिया तो मात्र 7 दिनों के अंदर आपको इतनी अच्छी और शुभ खबरें देखने को मिलेंगी जैसे कि आपने सपने में भी कभी सोची नहीं थी। यानी कि हर एक बिगड़ा काम बन जाएगा, रुकावट आ रही थी, तो
तू काम में गति आ जाएगी और जो बड़ी परेशानियां हैं, उलझन है, जिनके समाधान आपको नहीं मिल पा रहे हैं, उनके समाधान मिलने शुरू हो जाएंगे। चमत्कारी उपाय है, इसे आप जब तब करते रखिए। लेकिन दोस्त, एक बात हम आपको बता दें कि यह आप अपनी तरफ से कभी नहीं कर पाएंगे, इसमें भी ईश्वर की मर्जी शामिल होगी। यानी कि आप ऐसे ही किसी को चलती फिरती है तो खाना और भोजन दे नहीं देंगे। अब इसके लिए कोई आपके सामने स्वयं से बढ़कर आना चाहिए। यह दोस्त तब जवाब देंगे वही होगा। सर्वोत्तम दान तो यह तो हो गया, एक ऐसा तरीका जिससे आप अपनी किस्मत को चमकाते रहेंगे। जब भी मौका लगेगा, बिल्कुल इसे करने से पीछे ना हटे। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं उस महाशक्तिशाली, बेहद ही गुप्त और कार्रवाई के बारे में, यह कहीं की साधना विधि के बारे में। प्यारे दोस्तों, यह साधना भी थी इतनी शक्तिशाली है कि यदि आपने इसे 21 दिन तक कर लिया, असल में यह 21 दिन का उपाय है, यदि आपने इसे 21 दिन तक पूरे भाव के साथ, पूरे नियम संयम के साथ कर लिया, तो आप जो चाहे वह हासिल कर सकते हैं। आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है। हम लिख कर दे सकते हैं, जिसने भी यह उपाय किया है उसका बड़ी से बड़ा काम बन गया है, बिगड़ी से बिगड़ा काम भी उसका बन चुका है। जी हां प्यारे दोस्तों, तो अब ध्यान से सुने हम आपको क्या बताने जा रहे हैं। थोड़ा सा गौर से इन चीजों को समझने का प्रयास करें। जो चीजें आपको समझ में ना आए, उन्हें अपलोड कर सकते हैं, दोबारा से सुन सकते हैं। तो ध्यान से सुने, यह उपाय हनुमान जी के बारे में है। अब हनुमान जी के बारे में कुछ चीजें बहुत मशहूर हैं और विज्ञान, ध्यान से सुने। पहली चीज तो यह है कि हनुमान जी बहुत जल्दी सिद्ध हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। सिद्ध होने का मतलब प्रसन्न हो जाना, तो हनुमान जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है। यदि कोई सच्चे मन से मात्र एक बार भी हनुमान जी को याद करे, चालीसा पढ़े, तो वह बहुत जल्दी उसे प्रसन्न हो जाते हैं। यह छोटी सी बात है जो हनुमान जी के बारे में बहुत अधिक मशहूर है। इसीलिए आपने देखा होगा कि किसी भी स्थान पर, किसी भी जगह पर सबसे अधिक मंदिर हनुमान जी के ही देखने को मिलती है, क्योंकि वे सबकी मनोकामना तुरंत पूरी कर देते हैं। सुन लेते हैं, बस भाव जरूरी है। यहां पर यही एक चाबी है, हनुमान जी तक पहुंचे रास्ता है भाव। अब यदि आपके भाव में जरा भी मिलावट होगी, मन में जरा भी शक होगा, जैसा कि हम कहते हैं कि मन में विश्वास होगा, तो फिर हनुमान जी आपसे कभी सीधी नहीं होंगे, चाहे कितना ही करिए। अब हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जो अभी भी जीवित हैं, 7 चिरंजीवियों में शामिल हैं। और दूसरा कि हनुमान जी भाव प्रधान देवता हैं। उनका पूरा जीवन चरण आप देखिए कैसा था, समर्पण का भाव उनके जीवन में आपको देखने को मिलेगा। उन्होंने पूरा जीवन केवल सेवा भाव रखा है, प्रभु श्री राम की सेवा कर दास के रूप में अपना जीवन बिताया है। हालांकि स्वयं अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता है, सब कुछ उनके हाथों में है, सर्वशक्तिमान है, फिर भी उन्होंने अपनी शक्ति को कभी भी ना जाए जो प्रकट नहीं किया है, और अपनी इतनी शक्ति को भी काबू में करके एक दास के रूप में अपना जीवन बिताया है। तो यह एक बड़ी बात है जो आपको अपने दिमाग में रखनी है। भाव मन में बनाकर ही इनकी भक्ति में जाना है। तो अब ध्यान से सुनिए, यह उपाय क्या है, जिस दिन का यह उपाय है उस कैसे करना है, इसके बारे में ध्यान से समझिए। प्यारे दोस्तों, इस उपाय के 2 चरण हैं, एक आपके घर पर पूरा होगा और एक हनुमान जी के मंदिर में। अब ऐसे में आपको ध्यान या देना है कि आपको सात्विकता के सभी नियमों का पालन करना होगा। यह उपाय मंगलवार से प्रारंभ होगा और मंगलवार पर ही समाप्त होगा। तो अब ध्यान से सुने कि आपको क्या करना है। प्यारे दोस्तों, आपको मंगलवार को शाम के समय यह उपाय जब शुरू करेंगे, उस समय हनुमान जी की चौकी लगानी है। यानी कि हनुमान जी की कोई फोटो या तस्वीर लाल रंग के आसन पर स्थापित करनी है। उसके बाद आपको लाल रंग का प्रसाद हनुमान जी को चढ़ाना है और लाल पुष्प चढ़ाने हैं। और उसके बाद हाथ में संकल्प लेकर यह है हनुमान जी से बोलना है कि हे प्रभु, हम ऐसी ऐसी मनोकामना पूर्ण करवाना चाहते हैं, आपका साथ चाहते हैं, और इस मनोकामना की पूर्ति के लिए हम 21 दिन के उपाय का संकल्प लेते हैं, और जल को आप हनुमान जी के सामने ही जमीन पर छोड़। यह होगा आपका संकल्प 21 दिन के उपाय का। अब यह उपाय आपका खंडित नहीं होना चाहिए। इस बात की आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। अब आपको उसी स्थान पर बैठकर 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। या प्यारे दोस्तों, हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करने के बाद में
आखिरी में बजरंग बाण का पाठ करें। इस प्रकार आपकी घर की यह विधि पूर्ण हो जाएगी। अब आपको वहीं से सीधे मंदिर निकल जाना है। मंदिर जाने के लिए आप घर से ही थोड़ा सा गाय का घी और बाती और आटा लेकर जाएगा। मंदिर में जाकर आप हनुमान जी के लिए आटे का दीपक बनाएं और उसे हनुमान जी के सामने प्रचलित करें, और वहां पर भी हनुमान जी के सामने आप अपनी मनोकामना बोले। साथ ही साथ प्यारे दोस्तों, आप श्री हनुमान रक्षा कवच का भी पाठ करें। यह बेहद ही आवश्यक है और बेहद ही शक्तिशाली है। याद रखेगी, हनुमान रक्षा कवच का निर्माण स्वयं प्रभु श्री राम ने किया था। उन्हीं के द्वारा यह लिखा हुआ है और पहली बार उन्होंने ही इसका पाठ विक्की, इसलिए यह श्री हनुमान रक्षा कवच हनुमान जी को बेहद प्रिय है। तो इस प्रकार आपकी एक दिन की विधि पूरी हो जाएगी। अब अगले दिन शाम को, यानी बुधवार के दिन, आपको शाम को यही विधि फिर से दोहरानी है। अपने घर पर 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। लाल प्रसाद, लालपुर और लाल आसन पर ही उन्हें स्थापित करें। लेकिन इस बार आपको संकल्प लेने की जरूरत नहीं है, संकल्प आपको एक बार ही लेना है। अब आपको 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ घर पर करना है। उसके बाद घर से मंदिर जाना है और मंदिर में आधे कर दो दीपक जलाने हैं और एक बार हनुमान रक्षा कवच का पाठ करना है। बस इस प्रकार आपका हर दिन एक एक दीपक बढ़ता जाएगा और 11 दिन आपके 11 दीपक चलेंगे। हनुमान जी के सामने आटे की आपको 11 दीपक जलाने होंगे और 12 दिन 10 दीपक रह जाएंगे, फिर भी 29 दीपक रह जाएंगे। इस तरह दीपक कम होते होते 21वें दिन एक दीपक आटे का बचेगा और घर पर आपकी 7 बार हनुमान चालीसा पाठ की विधि जारी रहेगी। 21वें दिन जब आप एक दीपक हनुमान जी के सामने चलाएंगे तो आपका उपाय पूर्ण हो जाएगा। आखिरी दिन आप हनुमान जी के सामने भी बजरंग बाण का पाठ कर सकती हैं और उसके बाद श्री हनुमान रक्षा कवच का पाठ करें। अब इसमें आपको कुछ बातें ध्यान में देनी होंगी जो निश्चित तौर पर आपको इस उपाय में कामयाबी दिलाएंगे। पहली बात तो यह है कि हनुमान चालीसा में एक लाइन आती है जिसमें लिखा है, तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजय नाथ हृदय महम डेरा। प्यारे दोस्तों, इस लाइन में जो तुलसीदास लिखा हुआ है वह तुलसीदास जी ने अपने लिए लिखा है, लेकिन इस बार आप पाठ कर रहे हैं तो आप अपना नाम बोलेंगे। मानकर चलिए कि आपका नाम विवेक है तो आपको बोलना है, विवेक दास सदा हरि चेरा कीजय नाथ हृदय महाडेरा। इस प्रकार आप 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। साथ ही साथ आप एक तांबे के पात्र में जल भी रखेंगे। आप चाहे तो एक तांबे का छोटा सा गिलास या लोटा बाजार से खरीद सकते हैं। उस्तादी के पात्र में जल रखेंगे और हर बार जब आपका हनुमान चालीसा पाठ पूरा होगा तो आप उस जल में थोड़ा सा फूंक मारेंगे, या प्यारे दोस्तों इस तरह वजल हनुमान चालीसा से अभिमंत्रित हो जाएगा। तो 7 बार आप घर पर पाठ करेंगे और 7ों बार उस जल में फूंक मारेंगे, और जब आपके घर पर विधि पूर्ण हो जाएगी तो आप उस जल को पी जाएंगे। या प्यारे दोस्तों, अब इसमें जातक एक गलती और कर देते हैं कि उन्हें हनुमान चालीसा का पाठ याद हो जाता है तो वे सीधे हनुमान चालीसा का पाठ अपने मन में ही मूल लगते हैं, यानी कि मन से ही बोलने लगते हैं, पढ़ते नहीं हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, बिना देखे हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना है। यह हनुमान चालीसा का अपमान होता है। हनुमान चालीसा में स्वयं ही दिखा है कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरी। प्यारे दोस्तों, आपको हनुमान चालीसा की किताब अपने हाथ में लेनी है और उसमें से ही चालीसा का पाठ करना है, यानी कि जो यह पढ़े, यानी कि पढ़ना है, उसे रचना नहीं है, उसे बोलना है। देखकर बोला है, बिना देखे नहीं बोलना है। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये छोटी छोटी बातें हैं, और सबसे बड़ी बात कि इस उपाय के दौरान आपको सात्विकता के सभी नियमों का पालन करना होगा। सादा भोजन करना होगा, ज्यादा सतीश मसालेदार भोजन ना करें, तामसिक भोजन ना करें, मांस मदिरा तंबाकू आदि के सेवन से दूर रहे, नकारात्मक लोगों से नकारात्मक बातों से दूर रहे, किसी की बुराई ना करें, मन में नकारात्मक विचार लेकर ना आए, और दिन में जब भी आपको समय मिले हनुमान जी को याद करें, अपनी इच्छा के बारे में बोले, हनुमान जी से बात करें, भावनात्मक लगाव लगाने की कोशिश करें। प्यारे दोस्तों, हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपकी 21 दिन तो छोड़ो, 7 या 8 दिन के अंदर अंदर ही ऐसी अनुभूतियां होने लगेगी कि हनुमान जी आपकी बात सुन रहे हैं। किसी ने किसी माध्यम से हनुमान जी आपको संकेत देना शुरू कर दें। सपने में हनुमान जी स्वयं दर्शन भी दे सकती हैं, या फिर हनुमान जी से जुड़ी हुई चीज है।
आपको सपने में दिखाई देंगे। अच्छा प्यारे दोस्तों, आपकी मदद के लिए कोई ना कोई जरूर आपके आगे आएगा। आपके रुके हुए काम में या आपकी मनोकामना पूरी करवाने में आपका मददगार साबित होगा। अब प्यारे दोस्तों, यदि हनुमान जी को आपकी कोई मनोकामना पूरी करनी है तो वह आपके सामने तो प्रत्यक्ष रूप से प्रकट नहीं होंगे, वो किसी न किसी को माध्यम बनाएंगे जो सच्चे मन से आपका हाथ पकड़कर आगे बढ़ेगा और आपकी मनोकामना, आपकी मंजिल, आप ही कामयाबी तक आपको लेकर जाएगा। हमने यह उपाय अपने इसलिए भी एक दो ज्योतिष कार्यक्रम में बताया है। उस उपाय को करने के बाद लोगों की बड़ी ही सकारात्मक परिणाम आए हैं। साथ ही साथ प्यारे दोस्तों, हमने जिन जिन लोगों को इस उपाय के बारे में बताए हैं उन लोगों के काम कुछ ही दिनों में बन जाते हैं, पूरा उपाय होने से पहले ही बन जाते हैं। दोस्त, यदि आपके साथ भी ऐसा होता है कि उपाय पूरा होने से पहले ही, 21 दिन की सीमा पूरी होने से पहले ही आपका काम बन जाता है, तो आपको इस उपाय को बीच में नहीं छोड़ना है, अन्यथा यह आपके संकल्प खंडित होने वाली बात होगी और यह हनुमान जी का अपमान होगा। ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तब भी इसे आपकी किस दिन तक करना है, किसी भी हालत में आपको इस उपाय को खंडित नहीं होने देना है, 21 दिन तक इसे पूरा करना है। अब शुरुआत में हनुमान जी आपकी परीक्षा भी लेंगे, ऐसी परिस्थितियां बनाएंगे। जब आपका उपाय खंडित हो जाएगा तो आपको डटे रहना है। देवी शक्तियां यूं ही मुफ्त में किसी को कुछ नहीं दे देती, पहले परीक्षा लेती हैं और आपकी क्षति का आकलन करती है कि आप उनके द्वारा दी गई चीजों को संभाल भी पाएंगे या नहीं। तो बस इन चीजों को आपको समझना है, बस इस उपाय को आप करें और आप देखें चमत्कार। जब भी आप जीवन में फंस जाएगा, अटक जाएगा, कहीं पर आपको कुछ समझ में ना आए, आपको लगे कि कोई आपका साथ नहीं दे रहा है, अंधेरा ही अंधेरा है, तो बस इस उपाय को कर ले। हनुमान जी आपके सहायक होंगे, आपका हाथ पकड़कर चलेंगे और आपको मुसीबत से बाहर निकालेंगे। इन चीजों को आपको विश्वास के साथ अपनाना होगा। मन में विश्वास रखें, विश्व का वास ना रखें। जाते जाते प्यारे दोस्तों, हम आपको एक अच्छी सलाह देकर जाते हैं जो आपकी राशि के जातकों के लिए बेहद आवश्यक रहेगी, न केवल इन दिनों में बल्कि पूरे वर्ष। प्यारे दोस्तों, आपको मुफ्त में किसी को सलाह नहीं देनी है, आपकी अच्छी सलाह भी लोगों को समझ में नहीं आएगी, पसंद नहीं आएगी, लोग उसका गलत मतलब ही निकालेंगे। आपकी पुराने विवाद उठकर खड़ी हो सकती हैं, तो पुरानी बातों को बिल्कुल भी याद ना करें और जहां पर पुरानी चर्चाएं होने लगी वहां से आप उठकर चली जाए, उस जगह को ही छोड़ दें, क्योंकि वहां पर आपका मानहानि होगा, आपके सम्मान में हानि होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात प्यारे दोस्तों की, आपको बहन वर्षीय सतर्कता के साथ चलना है, जरा सी लापरवाही बड़ा नुकसान दे सकती है। उम्मीद है मित्रों की जो बातें हम आपको बताएंगे आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। आप यदि आपके मन में कोई प्रश्न उठता है तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आप अपने मन की हर एक सवाल, हर एक प्रश्न को कमेंट बॉक्स में लिखें मित्रों। तो चलिए आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम को विराम देते हैं, मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक ज्योतिष कार्यक्रम में। कमेंट बॉक्स में जय मां शेरा वाली कृपा करो अवश्य लिखना, एक बार नहीं 3 बार लिखना। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक ज्योतिष कार्यक्रम में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की माए सबका कल्याण करें।